नमस्कार मित्रों, मायसेल्फ सीतासरन दुबे फ्रॉम सेट सीएल हिंदी हाई स्कूल रखियाल अहमदाबाद। मित्रों, टुडे वी शेल लर्न, आवर टॉपिक इज यूनिट टू, डेंटल हेल्थ। फ्रेंड्स, नाउ वी सी अ पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ, ये एक दांत का फोटो है और जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो एक दांत का स्ट्रक्चर पूरा दिया है, जिसमें रूट्स है, क्रॉन है, एनिमल है, डेंटिन है और पल्प है, जिसको हम लोग बोलते हैं दांत का ये वाला हिस्सा। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आवर माउथ। ये पूरा एक पिक्चर दिया है दांत में, जिसमें कहाँ से कैविटी आती है, दांत के कौन से हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं। दिस इज द फोटो, द शेप एंड साइज एंड फंक्शन ऑफ आवर टीथ, एंड देयर आर द फोर इन सीजर्स टीथ, देन द टू इज अ कैनिनल, फोर इज अ प्री मोलर्स एंड द फोर टू सिक्स मोलर्स इन ईच जेब्स। फ्रेंड्स, इन दिस यूनिट, ये पूरे यूनिट में हमें दांतों के बारे में बताया गया है कि हमें जो हमारा दांत है उसकी कैसे सफाई करनी चाहिए, और यदि हम लोग इसको व्यवस्थित साफ सुथरा नहीं करेंगे दांत को, तो हमें कैसी प्रॉब्लम आएगी। इस लेसन में तीन कैरेक्टर हैं, एक है सोनिया, दूसरे हैं डॉक्टर शर्मा और तीसरे हैं अशोक भाई। सोनिया को भी ऐसी दांतों की तकलीफ हुई, उसके बाद उसके जो अंकल है अशोक भाई, वो डॉक्टर शर्मा के पास लेके जाते हैं और फिर बताते हैं डॉक्टर शर्मा की कैसे क्रेविटी आती है, और सोनिया को पूरे दांतों के बारे में बताते हैं कि दांत का कौन सा हिस्सा कैसा होता है और उसका यूज़ कैसे होता है। इस लेसन में हम भी वही पढ़ेंगे, यूनिट टू, डेंटल हेल्थ। इन दिस लेसन सोनिया हैड अ सेवरल टूथ एच, सी कुड नॉट ईट anything nor could she go to school. Studying at home was also impossible due to pain, or she was not able to sleep also. Mitro, is lesson mein bataya gaya Sonia had a several tooth edge, means Sonia ko kuch daanton mein dard tha, or she could not eat anything nor could she go to school, जिसके कारण वो कुछ भी खा नहीं सकती थी और वो स्कूल जा सकती थी। Studying at home was also impossible, और जब स्कूल नहीं जाएगी तो घर पे भी रह के पढ़ सकती नहीं थी, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा पेन था, ड्यू टू पेन यानी दर्द, और इम्पॉसिबल का मतलब वो नहीं सकना, और सी वॉज नॉट एबल टू स्लीप ऑल्सो, और उसके दांतों में बच्चों दर्द इतना था कि वो अच्छे से सो भी नहीं सकती थी। स्लीप मतलब होता है सोना। इसके लिए सोनिया बोलते, ओह मम्मा इट्स अनबियरेबल, मतलब अनबियरेबल का मतलब होता है जो हद से ज़्यादा जो दर्द होता है, जो सहन नहीं हो पाता है, उसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया। और बोलती, वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट, सैड हर अंकल, उसके मम्मी और उसके जो अंकल है वो देखते हैं कि भाई बच्ची को काफ़ी ज़्यादा दर्द है, तो इसके लिए उसने क्या बोला कि वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट, हम लोग डेंटिस्ट के पास जाएंगे। डेंटिस्ट का मतलब दांत के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। सैड हर अंकल, उसके अंकल ने बोला। अशोक भाई बोलते हैं कि द सेम इवनिंग दे वेयर एट अ डेंटल केयर क्लिनिक ऑफ डॉक्टर शर्मा। अशोक भाई बोलते हैं कि द सेम इवनिंग, सेम इवनिंग मतलब आज के ही शाम, उसी शाम को, दे वेयर एट, वो लोग गए कहाँ गए, एट द डेंटल केयर
क्लिनिक, डेंटल का मतलब दांत, केयर का मतलब होता है रक्षा करना, और क्लिनिक का मतलब हॉस्पिटल। एक दांत जो दांत का हॉस्पिटल था वहाँ पे गए, और बच्चों वो दांत का हॉस्पिटल किसका था, तो डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर बंसी शर्मा इज अ यंग एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर। कॉम्पिटेंट डॉक्टर का मतलब होता है निपुण, मतलब वो अपने आप में सक्षम होना, और मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उनके वहाँ गए। डॉक्टर साहब बोलते हैं, हेलो यंग लेडी, व्हाट द मैटर यू विथ यू। क्या बोल रहे हैं, हेलो यंग लेडी, हाँ बच्चे बोलो, व्हाट अ मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ। सोनिया विथ डिफ़िकल्टी, क्योंकि सोनिया को बहुत ज़्यादा दांतों में पेन था, वो बोल सकती नहीं रही थी, तो भी उसने बोला, ओह माँ, ओह डॉक्टर, I have a terrible toothache। क्यों बोलती है वो, ऐसा बोले कि I have a terrible, terrible का मतलब बहुत ही भयानक, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है उसको, toothache का मतलब उसके दांतों में दर्द है। डॉक्टर शर्मा बोलते हैं, I can see, मैं देख सकता हूँ, let me check it, चलो हम लोग चेक करते हैं, और डॉक्टर उसको चेक करते हैं, कहाँ पे, sit in the chair, और वो जो डॉक्टरों की चेयर आती है ना उस पर वो वहाँ पे उसको लेके जाते हैं और उसके दांतों को चेक करते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, प्लीज़ सोनिया सिट इन द डेंटल चेयर, द डॉक्टर स्विच ऑन द हेडलाइट, और उसके बाद वो डेंटल के चेयर पे उसको बिठाते हैं, और चेयर के ऊपर ही, जैसे हम लोग जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो देखना डॉक्टर के चेयर के ऊपर एग्जैक्ट ऊपर एक लाइट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेडलाइट, और वो लाइट को ऑन करते हैं। नाउ डॉक्टर शर्मा, ओपन योर माउथ एंड से आ, डॉक्टर शर्मा उसको बोलते हैं कि चलो बच्ची सोनिया, ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो, और जैसे ही सोनिया अपना मुंह आ करती है तो उसको वो पेन होता है, उसको दर्द होता है, उसके बाद वो बोलती हैं, इस तरह से वो अपने दांतों को चेक कराते हैं। सोनिया बोलती है, ओपनिंग हर माउथ अ लिटल बीट स्लोली, सोनिया धीरे धीरे अपना दांत खोलती है, ओह सॉरी डॉक्टर, आई कांट ओपन माई माउथ एनी वाइडर देन दिस। डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ा और दांत ऊपर, थोड़ा और मुंह खोलो, लेकिन सोनिया इज कांट अनेबल टू ओपन हर माउथ, सोनिया उसको खोल नहीं पाती है। सोनिया बोलती है कि सर मैं मेरे मुंह को इससे ज़्यादा नहीं खोल पाऊंगी क्योंकि मेरे दांत में दर्द और हो रहा है। डैट्स वाई डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर शर्मा बोलते हैं डैट्स ओके, कोई बात नहीं है, मूविंग द माउथ माइनर एंड द प्रॉबेल इन सोनिया माउथ, मूविंग द माउथ मिरर, वो क्या करते हैं, एक जो जैसे हमने पहले वाले पिक्चर में भी देखा कि इस तरह से डॉक्टर के हाथ में एक छोटा सा एक एक सुई जैसा है, उससे वो दांत साफ करते हैं, और दूसरे में मिरर है, वो मिरर से सोनिया के दांत को चेक करते हैं। मूविंग, मूविंग मतलब घुमाना, माउथ यानी मुंह, मिरर यानी वो कांच घुमाते हैं, एंड प्रोबेल इन सोनियाज माउथ, पूरा उसके सोनिया के माउथ में घुमा रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई कहाँ पे इसको क्या हुआ है, पेन हुआ है। आई कैन सी, तभी डॉक्टर बोलते हैं मैं देख सकता हूँ, आई सी अ ब्लैक स्पॉट, आई सी डॉक्टर बोलते हैं कि मैं, सी यानी देखना, ब्लैक यानी काला, स्पॉट यानी दाग, ऑन वन ऑफ योर प्री मोलर्स। प्री मोलर्स का मतलब होता है ये वाला हिस्सा, जैसे हम लोग देयर आर फोर प्री मोरर्स, मोरर्स यानी जो दाढ़ होता है, दाढ़ से पहले वाले जगह पे उसको एक जगह ब्लैक कलर का एक दाग दिखता है डॉक्टर को। देयर सीम टू बी अ कैविटी देयर, वो बोलते हैं कि शायद देयर सीम, वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक कैविटी है, मतलब शायद जंतु लगे हुए हैं या ये हिस्सा तुम्हारा खराब हो गया है। अशोक भाई मतलब अ कैविटी, अरे बापर इसको दांत में मतलब कैविटी हो गया है। डॉक्टर शर्मा बोलते हैं यस अ कैविटी एंड क्वाइट अ बिग वन, कैविटी तो है इस हाथ में लेकिन थोड़ा सा वो बड़ा है। और डॉक्टर बोलते हैं आई एम प्रिस्क्राइबिंग सम मेडिसिन टूडे,
तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं इनको कुछ दवाइयाँ, प्रिसेप्टिंग का मतलब होता है दोस्तों कि सूचना देना, सलाह देना, कि मैं कुछ इनको दवाइयाँ, मेडिसिन का मतलब होता है दवाइयाँ, टूडे आज मैं इनको अपने तरीके से कुछ दवाइयाँ इनको लिख के दे देता हूँ, यानी निर्धारित करना, उनको दे देना। द पेन विल सबसाइड बाय टुमारो। सबसाइड का मतलब होता है कि हाँ, शायद कल तक इनको जो दर्द है वो दर्द इनका ठीक हो जाएगा। ऐसा डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं इनको कुछ दवाई दे देता हूँ, वो दवाई से कल तक इनको ठीक, कुछ आराम मिलेगा। ओनली देन द फर्दर ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। लेकिन इसके आगे का जो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, उससे पहले मैं ये दवाई दे रहा हूँ, उस दवाई से इनको कुछ पेन में, पेन यानी दर्द में आ राहत होगा। उसके बाद कैन यू कम बैक टुमारो। फिर डॉक्टर साहब ने बोला अशोक भाई से कि कैन यू कम बैक टुमारो। कैन यानी सकना, यू यानी तुम, कम यानी आना, बैक यानी वापस, और टुमारो यानी आने वाला कल, कि क्या कल आप वापस आ सकते हैं। तो अशोक भाई ने बोला आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन टुमारो। क्या बोलते हैं कि मैं तो भाई आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं यहाँ पे हूँ नहीं, टुमारो यानी आने वाला कल, कि कल मुझे कहीं बाहर जाना है, ऐसा अशोक भाई ने बोला। जब डॉक्टर साहब उसका पूरा दांत इस तरह से चेक करते हैं, चेक करने के बाद मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन देने के बाद वो अशोक भाई से बोलते हैं कि आपको कल आना है, तो अशोक भाई तो कहीं बाहर है। देन डॉक्टर शर्मा, वेल सोनिया कैन यू कम अलोन। बोलते ठीक है सोनिया, अलोन यानी अकेले, कम यानी आना, कैन यानी सकना, क्या तुम कल अकेले आ सकती हो। सी इज अ ब्रेव गर्ल। सोनिया वास्तव में बहुत ही बहादुर, ब्रेव यानी बहादुर, गर्ल यानी लड़की। सोनिया यस डॉक्टर आई विल हैव टू, हाँ मैं, या आई सेल हैव टू, मैं आ सकती हूँ, मैं आऊंगी। नेक्स्ट डे सोनिया फेल्ट बेटर। दूसरे दिन जब डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दिया था, पेन किलर, तो उसको काफ़ी ज़्यादा बच्चों राहत हुआ, तो दूसरे दिन नेक्स्ट डे सोनिया फेल्ट बेटर, उसको काफ़ी अच्छा मिला और महसूस भी हुआ, उसको दर्द भी नहीं हुआ। सी डिड नॉट हैव मच पेन। उसको कल जितना, मतलब जितना डॉक्टर के दवाई देने से पहले जो दर्द था, उतना उसको दर्द नहीं था। सी विजिट द डॉक्टर अगेन एट द फिक्स टाइम। सी यानी वह, विजिटेड यानी पहुँच जाना, द डॉक्टर डॉक्टर के पास अगेन यानी फिर से, एट द फिक्स टाइम निश्चित समय पे, जो कल समय पे वो निश्चित समय पे गई थी, उसी निश्चित समय पे इस बार भी सोनिया अकेले ही डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर शर्मा हाउ डू यू फील टूडे यंग लेडी। बोले हे बच्ची, आज आपको कैसा फील हो रहा है। तो सोनिया बोलती है मच बेटर। बोले हाँ, आज मुझे पहले, कल जितना जो दर्द था वो उतना दर्द मुझे नहीं है। तो डॉक्टर शर्मा क्लीन द कैविटी विथ एन एयर रूटेड। डॉक्टर शर्मा ने क्या किया, उसको बिठाया वापस चेयर पे, और चेयर पे बिठाने के बाद इस तरीके से उसके दांत को चारों तरफ फिर से वो मिरर से उन्होंने घुमाया, और आप देखिए डॉक्टर साहब के राइट हैंड में एक पाइप जैसा है वो, और वो पाइप क्या करता है, पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर करता है, और जिसको बोलते हैं एयर रोटर, वहाँ पे हवा का भी प्रेशर करता है, और साथ साथ वो पानी का भी प्रेशर करता है, और वो जब प्रेशर करता है, जिससे क्या होता है बच्चों, कि जो भी हमारे दांतों के बीच कैविटी होती है, जो भी हमारे दांतों के बीच जो कैविटी फंसी होती है, वो एयर का इतना फोर्स होता है कि वो एयर से वो बाहर आ जाता है। जो हमारे दो दांतों के बीच, जैसे हमारा दांत है, वो दो दांतों के बीच जो भी चीज़ फंसा होगा, उससे हम लोग उसको वो साफ़ कर देता है, और पानी से भी क्या कर देता है, उसको साफ़ कर देता है। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों कि गांव में, जैसे हमारी दादी माँ है, या दादाजी हैं, या पापा हैं, या कोई भी जो ओल्ड एज के लोग हैं, वो खाने के बाद नीम का वो दातन लेते हैं, और उसको हल्के से अपने दांत के बीच का वो साफ़ कर देते हैं, जिससे उनके दांतों में कैविटी ना हो।
और वो दांतों से साफ कर देते हैं पुराने, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं, हम लोग खा लेते हैं और कुल्ला भी नहीं करते हैं। तो डॉक्टर शर्मा ने क्या किया, क्लीन द कैविटी विथ एन एयर रोटर, मतलब एयर यानी हवा, रोटर यानी यंत्र, वो एयर रोटर से उसके दांतों की कैविटी को साफ किया दम प्रेशर से। देन सी फील इट विथ अ वाइट सस्टेंस नॉन एज लाइट क्योर कंपोजिट फिलिंग मटेरियल और इट कंटेन सिंथेटिक रिजाइन सिलिका एज फिलर एंड द फोटो एक्टिवेटर एक्सेट्रा। देन यानी उसके बाद सी फील्ड इट, उसने क्या किया, कैविटी जब साफ किया तो उसने फील यानी भरना, फील का मतलब भरना, जैसे आता है ना फीलिंग द ब्लैंक्स, हमारे एग्जाम में आता है फीलिंग द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगह भरो। तो उसने वो जो दांतों के अंदर जो कैविटी थी, जो ब्लैक स्पॉट था, उसको साफ किया किससे, एयर रूट से। और एयर रूट से उसको साफ करने के बाद उसने क्या किया बच्चों, तो उसके अंदर कुछ उसने भरा विथ अ वाइट सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब होता पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, उसने कुछ उसके अंदर कोई पदार्थ भरा और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो नॉन एज अ लाइट क्योर कंपोजिट, लाइट क्योर कंपोजिट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ उसको इलाज करना है या कोई भी चीज़ उसके अंदर भरना, कंपोजिट मतलब वो एक दूसरे कुछ चीज़ उसमें मटेरियल को उसने मिलाया, फील द मटेरियल, मटेरियल यानी सामग्री, वो दो दो कोई भी चीज़ उसमें जो धातु था उसको मिलाया, और इट कंटेन सिंथेटिक रिजन, और कंटेंस का मतलब होता है शामिल करना, सस्टेंस का मतलब, सब्सटेंस का मतलब पदार्थ, लाइट यानी हल्का, और क्योर कंपोजिट का मतलब एक कोई भी जो जो इलाज वाला जो मटेरियल होता है उसको उसने मिला दिया, फील्ड यानी मिलाया, और इट कंटेंस का मतलब शामिल किया, और सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, और रिजाइन का मतलब होता है लार, और सिली का मतलब होता है पत्थर, और कैसा पत्थर, तो जो सफ़ेद दांत जैसे पत्थर दिखते हैं वो, एस फील्ड एंड द फोटो एक्टिवेटर। उसने क्या किया, तो वो डॉक्टर ने क्या किया, पहले तो उसको कैविटी से साफ, कैविटी को साफ किया एयर रूटेड से, देन सी फील्ड इट, उसने उसके बाद उसको भर दिया, कैसे भरा बच्चों, अ वाइट सब्सटेंस नॉन एज लाइट क्योर कंपोजिट, एक पदार्थ लिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट क्योर कंपोजिट, मतलब सफ़ेद कलर का हल्का पदार्थ, फील द मटेरियल, उसके अंदर कुछ मटेरियल डाला, और इट कंटेंस, उसको मिक्स करके सिंथेटिक, सिंथेटिक रेजन, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, कृत्रिम, और रिजिंग का मतलब होता है लार, कृत्रिम लार के द्वारा उसको वहाँ पे, और सिलिका, सिलिका का मतलब होता है बच्चों सफ़ेद कलर का पत्थर जो दांतों के जैसा हमें दिखता है, एस फील्ड एंड फोटो एक्टिवेटर एक्सेट्रा फोटो, और उसका मतलब वहाँ पे उस जगह पे उसको भरा, और देन डॉक्टर शर्मा यस इट्स डन, डॉक्टर शर्मा बोलते हैं हाँ अब तुम्हारा दांत बच्ची एकदम ओके है, थैंक यू फॉर कीपिंग योर माउथ ओपन विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड। डॉक्टर ने उसका दांत तो ठीक कर दिया, लेकिन डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, थैंक यू फॉर कीपिंग योर माउथ, अब अच्छा रहा तुम्हें धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि ये जो उन्होंने काम किया उसके दांत की कैविटी निकाला, फिर उसमें मटेरियल भरा सिलिका और ये सब, तो उतना दूर उसका मुंह को खोल के रखा था, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तुमने जो मुंह अपना ओपन रखा था, कीप योर माउथ ओपन विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, बिना कुछ बोले हुए, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, तो इसके लिए बोलते हैं वो धन्यवाद करते हैं, और फिर बोलते हैं एस सोनिया वॉज द लास्ट पेशेंट डेट डे। अब उस दिन सोनिया लास्ट पेशेंट थी, जो दूसरे मरीज थे बच्चों वो चले गए थे, तो क्या हुआ, द डॉक्टर कुड शार्प टाइम टू टॉक टू हर। अब डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट था नहीं, और डॉक्टर साहब के पास इनफ टाइम था, और टाइम होने के कारण उन्होंने क्या किया,
स्पेयर द टाइम, उन्होंने अब डॉक्टर क्लिनिक का एक टाइम होता है कि भाई जैसे 5 से 6 से 9, तो मानो कि 8 बजे डॉक्टर साहब फ्री हो गए, वो 1 घंटा क्या करेंगे, तो उन्होंने उस बच्ची जो सोनिया थी उससे वो बात करना शुरू किए। जब वो बात करने लगे, बात करते करते उन्होंने बोला, सोनिया पहले प्रश्न पूछती है, सोनिया बोलती है, डॉक्टर वुड यू टेल मी व्हाई आई गॉट दिस कैविटी। सोनिया बोलती है, डॉक्टर साहब वुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे कि व्हाई आई गॉट दिस कैविटी, कि मुझे ये कैविटी या दांतों में सड़न क्यों हुई। जैसे हम लोग कोलगेट का एडवर्टाइज में देते हैं ना कि कैविटी है या ये सब, वैसी कैविटी कि दांतों में सड़न क्यों है साहब। तो डॉक्टर शर्मा बोलते हैं कि वेल टेल मी वन थिंग, आर यू फाउंड ऑफ स्वीट्स। डॉक्टर शर्मा बोलते हैं वेल यानी ठीक है, टेल यानी बोलना, मी यानी मैं, वन थिंग वो मी यानी मुझे, बोलते ठीक है मुझे तुम एक चीज बताओ, थिंग यानी वस्तु कोई भी बताओ, क्या तो आर यू फाउंड ऑफ स्वीट्स, क्या तुम स्वीट्स खाती हो। यहाँ पे फाउंड यानी खाना हो जाएगा या मिलता है। तो सोनिया बोलती यस हाँ आई एम, मेरे को स्वीट तो अच्छा लगता है, जैसे मुझे भी अच्छा लगता है वैसे सोनिया ने बोला मुझे भी स्वीट अच्छा लगता है। आई लव ईटिंग चॉकलेट एंड आइसक्रीम एज वेल एज अदर स्वीट्स। क्या बोलती है कि मुझे आई लव ईटिंग, मुझे प्यार है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, क्या तो आप लोग जैसा बच्चों जैसे आप लोग भी खाते हो ना चॉकलेट और आइसक्रीम और कोई भी मीठा चीज़ होता है वो हम लोग पहले खा लेते हैं और तीखा चीज़ हम लोग साइड में कर देते हैं। डॉक्टर शर्मा बोलते हैं एंड नाउ टेल मी वन मोर थिंग, बोले ठीक है तो मुझे एक चीज और बताओ। तो बोलते क्या, डू यू ब्रश योर टीथ रेगुलरली। दिस इज बच्चों ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि यहाँ पे रेगुलरली वर्ड आ गया जिससे हमें ये पता चलता है कि ये रोजिंदा बात होती है, डेली यूज की बात हो रही है। तो बोलते डू यू ब्रश योर टीथ रेगुलरली ट्वाइस अ डे, क्या तुम ब्रश यानी ब्रश करना ऐसे ब्रश करते वो योर टीथ तुम्हारे दांतों को रेगुलर यानी रोज, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे का मतलब ट्वाइस अ डे का मतलब होता है दिन में 2 बार, कि क्या सोनिया तुम अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करती हो। डू यू क्लीन योर माउथ आफ्टर मील एंड आफ्टर ईटिंग चॉकलेट और आइसक्रीम। डॉक्टर बोलते हैं कि डू यू क्लीन योर माउथ, खाने के बाद क्या तुम अपने मुंह को जो हमारा मुंह है उसको साफ करती हो पानी से आफ्टर मील। आफ्टर मील का मतलब होता है भोजन, जैसे हम लोग दाल भात रोटी सब्जी खाते हैं ना कोई भी चीज़, कि वो खाना खाने के बाद आप करती हो या एंड यानी और आफ्टर ईटिंग चॉकलेट और आइसक्रीम। चॉकलेट या आइसक्रीम आप जब भी खाती हो तब क्या आप अपने दांतों को साफ करते हो। तो सोनिया बोलती है नो डॉक्टर आई ब्रश My tooth only in the morning। सोनिया बोलती है नहीं मैं अपने ब्रश अपने दांतों का ब्रश सिर्फ कब करती हूँ तो मॉर्निंग में। तो डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर शर्मा बोलते हैं कि डैट्स द प्रॉब्लम। ये क्या है बच्चों, ये प्रॉब्लम है क्यों, तो यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर, यू आर नॉट टॉकिंग अ प्रेपर अ प्रॉपर केयर ऑफ योर टीथ। अब यदि मैं डॉक्टर बोलते हैं कि यही तो मेन कारण है, डैट्स अ प्रॉब्लम, इसी कारण तुम्हें दांतों में कैविटी हुई, दांतों में सड़न हुई, क्योंकि यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर टीथ, जिसके कारण आप अपने दांतों को पूरा प्रॉपर यानी व्यवस्थित केयर मतलब संभाल के नहीं करते, आपके दांतों का केयर आप नहीं करते हो। यू मस्ट ब्रश योर टीथ प्रॉपरली ट्वाइस अ डे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड वंस अगेन बिफोर यू गो टू बेड। एक तो सुबह जैसे हम लोग उठते हैं तब ब्रश करना चाहिए,
और रात को जब हम लोग खा के जब दूध दूध पी के जब सोने जाते हैं बच्चों, तब सोते समय सोने के पहले हमें दांतों को अच्छे से ब्रश करना चाहिए। तब सोनिया बोलती है कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ ब्रश टीथ डॉक्टर। वो क्या बोलती है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम लोग का जो दांतों का जो ब्रश कर रहे हैं या दांतों को हम लोग किस तरह से अच्छे से ब्रश कर सकते हैं वो हमें बताइए, क्योंकि हम लोग ब्रश तो करते हैं लेकिन दिन में आपने बताया कि दिन में 2 बार करना चाहिए। क्या इसका ऐसा भी है कि भाई किस तरह से ऑफ ब्रशिंग द टीथ, मतलब जो दांत है उसको किस तरह से अच्छे से हम लोग ब्रश करें डॉक्टर। तो सोनिया वो उसके बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल ब्रश योर टीथ वाइल मूविंग द ब्रश इन द स्लाइड साइड वे ओनली। वो ये बोलते हैं कि बच्चे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने ब्रश जो है ना बस साइड से, कैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना ऐसे, बस थोड़ा सा ऐसे ब्रश लिया इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर घुमा दिया, भले हो गया। लेकिन द राइट वे इज टू मूव इट अपरवर्ड एंड डाउनवर्ड सो दैट इट रिमूव्स द टाइनी बाइट ऑफ फूड स्ट्रक बिटवीन द टीथ। शर्मा, डॉक्टर शर्मा बोलते हैं कि बहुत मोस्ट ऑफ यानी बहुत सारे पीपल्स यानी लोग ब्रश यानी ब्रश करना देयर टीथ मतलब वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जो ब्रश करते हैं दांत को ब्रश करते हैं वाइल मूविंग द ब्रश इन द साइड वे। वो क्या करते हैं, सिर्फ ब्रश लेते हैं और बस इधर से इधर बाहर की तरफ साइड वे यानी बाहर से ही घुमा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर शर्मा क्या बोलते हैं, ऐसा करना गलत है, ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि द राइट वे सही दिशा क्या है बच्चों, मूव द ब्रश इट अपवर्ड, अप यानी ऊपर, जैसे ये ब्रश है इसको हल्के से ऊपर करो, हल्के से ब्रश करो ऊपर की तरफ एंड डाउनवर्ड, और उसी तरह वो ब्रश लेके नीचे। लेकिन हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, ऐसे ब्रश लिया ऐसे 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 कर दिया बस हो गया, तो जिससे क्या होगा कि दांतों की सफाई आगे होगी, अंदर ऊपर और नीचे के तरफ नहीं होती है। तो डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि हम लोग ब्रश तो ऐसे करते हैं, दिस इज नॉट अ राइट वे, ये दांत इस तरह से दांतों की सफाई होती नहीं है, जबकि दांतों की सफाई बच्चों किस तरह से होगी, तो ब्रश लो अपवर्ड ऊपर की तरफ डाउनवर्ड नीचे की तरफ, जिससे क्या होगा इस तरह से हमारी जो क्रिएविटी है, जो कैविटी है दांतों के अंदर, जो दांतों के अंदर जो कैविटी है फंसी होती है बहुत सारी चीज, वो आराम से निकल सकती है। क्योंकि जब ब्रश हम लोग बाहर से करेंगे तो बहुत सारी कैविटी, जैसे हम लोग मानो कि मैं आज एप्पल खाया, कुछ भी खाया, अब मैं कोई भी चीज़ खाऊंगा तो वो बाहर से काटेगा ना, जैसे मैंने बताया ना आपको कि ये हिस्सा अलग होता है, फिर ये हिस्सा अलग होता है, फिर जबड़ा वाला हिस्सा अलग होता है, तो जब मैं खाऊंगा ये हिस्सा जो दांत का पहला हिस्सा है आगे हम लोग देखेंगे लेसन में, वो काटता है। लेकिन चबाने का हिस्सा किसका होता है बच्चों, जबड़े का, मोलल बिस्कु जिसको बोलते हैं, वो चबाएगा तो दांतों में बहुत सारी चीज जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं वो अंदर फंस जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी चीज हम लोग बहुत सारी चीज कभी कुछ खाते हैं जैसे मूंगफली खा लिया या फिर कोई भी चीज खाए, फिर वो दांतों में जब फंस जाएगा तो हमारा दीप हमारी जो जीभ है टंग है वो दांतों के पास जाएगी और उसको निकालने की कोशिश करेगी, और जीभ तब तक शांत नहीं होगी जब तक वो दांत में से निकलेगा नहीं, बार बार जीभ वहीं पे जाएगा आपकी, और जब दांत से नहीं निकलेगी तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी चीज़ लेंगे जैसे कोई पिन ले लेंगे या लकड़ी ले लेंगे और फिर उसको धीरे 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 करके निकाल देंगे, क्योंकि वो वहाँ पे जब बैठ जब दो दांतों के बीच में वो जब फंस जाएगी तो क्या काम करती है, तो कैविटी की काम करती है इसके लिए। अब यहां से क्या हुआ, तो उससे डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई अपवर्ड एंड डाउनवर्ड सो डेट इट रिमूव द टाइनी बाइट ऑफ फूड स्टक बिटवीन द टीथ। जब
ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दांतों की सफाई करते हैं बच्चों, तब टाइनी टाइनी यानी छोटे छोटे बाइट्स यानी टुकड़े ऑफ फूड्स यानी जो अनाज के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, जो स्ट्रक स्ट्रक यानी होता है फंस जाना, स्ट्रक का मतलब क्या होता है फंस जाना, जैसे मैंने कुछ भी खाया उसमें फंस गया, तो हम लोग अभी देखना जैसे पापा होते हैं कोई भी खाते कितने लोग की आदत होती है खाएंगे तो ऐसे ऐसे दांतों के अंदर से ऐसे निकालेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं पिन लगते हैं, पिन लेंगे फिर उसको ऐसे 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 साफ करेंगे, तो वो बेस्ट तरीका नहीं है, उससे दांतों को और नुकसान होता है बच्चों। जबकि बेस्ट तरीका क्या है कि आप जब भी खाना खाएं तुरंत ब्रश लें और ब्रश करें। ब्रश करने से क्या होगा, एक तो ब्रश कैसा होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है कि आप जैसे चाहें वो जो प्लास्टिक वाला होता है वो मुड़ जाता है, वो एकदम सॉफ्ट होता है तो मुड़ता जाता है, तो जो भी दांतों के बीच में कैविटी फंसी है वो कैविटी क्या हो जाएगी एकदम जो स्ट्रक अ बाइट ऑफ बाइट जो भी फूड्स बाइट ऑफ फूड होते हैं, जो भी टाइनी छोटे छोटे जो अनाज के टुकड़े होते हैं जो दांतों के बीच में फंसे होते हैं, वो अनाज के टुकड़े क्या हो जाएंगे बच्चों, निकल जाएगा, जो फंसे होते हैं निकल जाएगा। और जब अनाज के टुकड़े हमारे दांतों के बीच नहीं रहेगा तो हमारे दांतों के बीच हमारे दांतों में कैविटी रहेगी नहीं रहेगी। अब उसके बाद क्या करना है, नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही मत करो, क्लीन योर माउथ आफ्टर एवरी मील एंड एवरी टाइम यू ईट अ चॉकलेट और आइसक्रीम। कभी भी कुछ भी खाओ, भले खाना खाओ चॉकलेट खाओ या आइसक्रीम खाओ, तुरंत आप क्या करो बच्चों, तुरंत अपने मुंह को वॉश कर लो, तुरंत पानी से कुल्ला कर लो, जिसको हम लोग बोलते हैं कुल्ला करना। सोनिया बोलती वुड यू टेल मी द रीज़न डॉक्टर, अब सोनिया कंफ्यूज हो गई, तो सोनिया बोलती है कि सर क्या इसका रीज़न यानी कारण, रीज़न का मतलब क्या होता है बच्चों, कारण, क्या आप मुझे कारण बताओगे ऐसा क्यों करना है। तो डॉक्टर शर्मा बोलते हैं क्लीन द माउथ इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डेंटल हाइजीन्स, और हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता। वो क्या बोलते हैं, इसकी सबसे पहला जो रीज़न है कि दांतों की डेंटल यानी दांत रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि दांतों की सफाई करना। इफ़ यू डोंट क्लीन योर माउथ, यदि आप अपने मुंह को साफ नहीं रखोगे तो द टाइनी बाइट्स ऑफ फूड्स इनसाइड स्टिक टू द सरफेस ऑफ योर टीथ, क्या करेंगे धीरे 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 जो छोटे छोटे जो बाइट्स हैं फूड के वो आपके जो टीथ है दांतों के हिस्से को ख़राब करना शुरू करेंगे। एंड इन द स्पेस बिटवीन योर टीथ, और जो भी दांतों के बीच का हिस्सा है, नाउ जर्म्स फीड ऑन दिस फूड, क्या हो जाएगा, जर्म्स यानी कीटाणु लगने लगेंगे। आपने देखना बहुत सारे लोग होते हैं उनके आप दांतों देखोगे ना तो कैसा होगा कि दो दांतों के बीच में हल्का हल्का लाल लाल होगा, कितने लोगों के काले होते हैं, कितने लोग का देखने पे मतलब वॉमिट हो जाएगा, इतना ख़राब उनके दांत दिखते हैं। क्यों, क्योंकि वो लोग क्या है ब्रश व्यवस्थित नहीं करते हैं, या जो भी जैसे मसाला खाने वाले लोगों को देखना, इसके लिए हमें कभी भी मसाला खाना नहीं चाहिए, ये सब क्या होता है तो दांतों की कैविटी होती है। हम लोग अभी और पिक्चर देखेंगे, अब मैं आपको दिखाऊंगा। जर्म्स फीड ऑन दीज फूड्स पार्टिकल्स हु इवेंचुअली ईट ऑफ द पार्ट ऑफ द टीथ, और जर्म्स यानी होते कीटाणु, बैक्टीरिया लगना शुरू हो जाएगा दांतों के अंदर, हमें दिखेगा नहीं, हमें ऐसा लगेगा कि मैं डेली ब्रश करता हूँ, लेकिन एक्चुअली में ब्रश करना है लेकिन उसको परफेक्ट वे में करना है ना बच्चों। तो वो जर्म्स क्या होता है, धीरे 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 पार्टिकल्स मतलब कुछ दांतों का वो हिस्सा वो धीरे 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 क्या कर देता है, खाने लगता है, ख़राब करने लगता है। दे डिस्ट्रॉय द इनमल कोटिंग, दे डिस्ट्रॉय द इनमल कोटिंग, इनमल का मतलब होता है जो भी जो दांतों का ऊपर का हिस्सा होता है, जैसे आप कोलगेट के एडवर्टाइज में देखना वो बताते हैं कि भाई ये हिस्सा है ये टूट जाता है, तो दांतों का एक जो हिस्सा होता है कोटिंग ऑफ द टूथ, इन अ रन रॉन्ग इट लीड ऑफ द कैविटी, और उसमें क्या हो जाता है बच्चों, उसमें पूरा का पूरा कैविटी हो जाता है, उसमें वो कैविटी मतलब जो भी जो हमारा इनेमल है
वो दांतों का क्या होता है, ख़त्म कर देता है। और लॉन्ग मतलब बहुत जो लंबे समय से था वो हम बहुत देर तक चलेगा, और फिर वो क्या कर देगा, उसको ख़त्म कर देता है, दांत टूट जाते हैं। फिर सोनिया ने वापस प्रश्न पूछा कि डॉक्टर इनमेल कोटिंग व्हाट इज डैट, डॉक्टर व्हाट इज इनमेल कोटिंग, इनमेल कोटिंग क्या है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जैसे ये का पूरा फोटोग्राफ है जिसमें बताया गया है कि भाई ये दांत का हिस्सा है, और जिसमें ये जो दांत का हिस्सा है इसमें ये बताया गया कि ये बोन है, और उसके बाद ये नर्व्स है जिसमें ब्लड आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं बच्चों, और ये जो हिस्सा है ये रूट है, ये पूरा हिस्सा क्या है उसका रूट है, और यानी जड़, जहाँ से दांतों जो से नहीं आप लोग कोलगेट के एडवर्टाइज में देखते हैं कि सेंसिविटी आती है उस तरीके से, ये उसका नेक है जहाँ से दांत थोड़ा सा हिलता है जो भी है, और उसके बाद ये प्लम्प कैविटी, प्लम्प यानी होता है बच्चों जो हमारा जो पम्प जो प्लम्प होता है जो दांतों के अंदर का हिस्सा जिसको बोलते हैं गुद्दा, इसको क्या बोलते हैं गुर्दा, जो दांतों को एकदम रूट मतलब पकड़ के जो रखता है, दांतों को एकदम पकड़ के रखता है जिससे टूटता नहीं है वो है, और ये डेंटाइन है, इसको ये हिस्से को क्या बोलते हैं बच्चों, डेंटाइन बोलते हैं, ये हिस्से को हम लोग बोलते हैं इनमेल, यानी ये होता है इसके ऊपर का कवर होता है, जैसे दांत टूटेंगे ना तो देखना वो अंदर गड्ढे जैसा हो जाता है क्योंकि वो वाला हिस्सा खराब हो जाता है, तो जो ऊपर का कवर होता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं इनमेल बोलते हैं, वो हिस्सा आ जाता है। इसी तरह ये सभी दांत हैं, आगे हम लोग अभी देखेंगे। अब डॉक्टर शर्मा बोलते हैं फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर टीथ, तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो हमारे जो दांत है उसके जो कंस्ट्रक्शन है वो तुम्हें पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमारे जो दांत हैं कि आवर टीथ हैव द थ्री लेयर्स, हाउ मेनी लेयर्स, तो थ्री लेयर्स दिख रहा है ना, हाउ मेनी लेयर्स बच्चों, तो थ्री लेयर्स, और ये जो तीन लेयर्स होते हैं उसमें तीन अलग अलग लेयर्स होते हैं, जैसे हमने पहले वाले पिक्चर में हम लोगों ने पहले वाले पिक्चर में देखा था ये जो थ्री लेयर्स हैं है ना, जैसे ये एक हिस्सा जो रूट्स वाला है, दूसरा है नेक वाला, और तीसरा है क्रोन वाला, 1 2 3, तो उसी हिस्से में डॉक्टर बोलते हैं कि इन आवर टीथ हैव आ थ्री लेयर्स, अपर मोस्ट जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है, वाइट होता है, वो कैसा होता है बच्चों, वाइट होता है, जैसे आप स्लाइड में देखिए, हम लोग स्लाइड में दे रहे हैं, ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ये कौन सा कलर है, वाइट हिस्सा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनमल, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं इनमेल, क्यों इनमेल, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी होता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो दांत के सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं ना, आप दिख रहे हैं, देयर आर द थ्री लेयर्स, अपर मोस्ट लेयर्स, सेकेंड मोस्ट लेयर एंड थर्ड होता है इनर मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इनेमल बोलते हैं, और जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है इन आवर बॉडी। सेकेंड लेयर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डेंटाइन, सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, डेंटाइन भी बोलते हैं, ये जो डेंटाइन है ये कैसा होता है बच्चों, तो ये हल्का सा येलो कलर होता है, कैसा कलर होता है, हल्का सा येलो कलर होता है, जिसके कारण ये जो हल्का कलर हमारे दांत का, डेंटाइन का मतलब होता है दंत धातु जिसको बोल सकते हैं, और ये थोड़ा सा येलो कलर होता है। इन द इनर मोस्ट लेयर जो होता है इज कॉल्ड द डेंटल पल्प, पल्प का मतलब होता है गुद्दा, जो दांतों को एकदम कैसा करके रखती है, एकदम दांतों को एकदम दबा के रखती है, इसको हम लोग दाढ़ भी बोलते हैं, जो दांत के नीचे आप देखना हमारा जो दांत टीथ है ना, टीथ के नीचे जो चमड़ियाँ होती है जिसको हम लोग मोलर भी बोलते हैं। देयर आर अ कैविटी विच नाउ नो मोर एग्जिस्ट, जो हमारे दांतों को कैविटी से दूर रखती है, दूसरा नंबर हमारे दांतों को एकदम पकड़ के रखती है जिससे हमारे जो दांत है वो क्या हो, टूटे नहीं और गिरे नहीं। अब ये प्रश्न पूछने के बाद सोनिया फिर से पूछती है
कि डॉक्टर मोलर क्या है, व्हाट इज इट, व्हाट इज मोलर. देन द डॉक्टर शर्मा अगेन एक्सप्लेन कि माय डियर इट्स अ काइंड ऑफ टीथ. क्या होता है ये, देयर इट इज अ काइंड ऑफ टीथ. जैसे मैं आपको फिर से एक दूसरा डायग्राम बता रहा हूं कि काइंड ऑफ टीथ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ बच्चों. तो डॉक्टर बोलते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ टीथ. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ टीथ. डेलिशियस, सॉरी, वन इज द डेसीडियस टीथ, एंड जिसको हम लोग दूध का दांत भी बोलते हैं, मिल्क टीथ भी बोलते हैं. एंड सेकेंड इज परमानेंट टीथ. डेसीडियस टीथ इज यूजली 20. कितने होते हैं बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ 20 होते हैं. एंड दे सीड वन बाय वन आफ्टर ग्रोथ. जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं वो हमारे दांत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं. जैसे जैसे हम लोग बड़े होंगे वो दांत क्या हो जाते हैं बच्चों, टूट के गिर जाते हैं. और जो परमानेंट टीथ होते हैं, नहीं बोलते कितने दांत होते हैं, तो 32 हम लोग बोलते हैं. 32 तो कब होते हैं, जैसे जो बड़े हो जाते हैं उनके सभी दांत आ जाते हैं तब हम लोग बोलते हैं 32 दांत होते हैं. लेकिन जैसे हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग छोटे जब थे तो क्या होता था, दूध का दांत होता था, वो दूध का दांत हम लोग टूट जाता था, तो हम लोग क्या करते थे कि वो दांत को लेते थे और उसके बाद उसको मिट्टी में गाड़ देते थे. क्यों गाड़ते थे पता है, तो ऐसा बोलते थे कि जब ये दांत हम लोग मिट्टी में गाड़ेंगे तो दूसरा दांत हमारा आएगा, क्योंकि उसी जगह पे दूसरा दांत आता था. तो जो दांत टूट जाता था, जिसको डेसीडियस टीथ बोलते हैं, यानी मिल्क टीथ यानी दूध का दांत बोलते हैं, वो टोटल 20 ही होते हैं. और वो अपनी जैसे टूटते हैं उसके जगह पे दूसरा दांत आ जाता है. और दूसरा होता है परमानेंट टीथ. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ, देयर आर टू काइंड्स ऑफ टीथ. वन इज द मिल्क टीथ एंड सेकेंड इज परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ इज अ 32, 32 दांत होते हैं. इसके बाद इसमें हम लोग इसने बताया, सोनिया बोलती है ओ यस आई ऑल्सो हैव अ 32 टीथ. बोले हाँ मेरे भी 32 दांत है, बट दे ऑल आर नॉट द सेम. 32 दांत तो है लेकिन वो सेम नहीं है. तो डॉक्टर साहब बोलते हैं क्यों, क्या हुआ. जैसे ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बोले ये 32 दांत तो है लेकिन वो सेम नहीं है, ऐसा क्यों. तो डॉक्टर वो बोलते हैं, शर्मा बोलते हैं यस दे आर डिफरेंट इन शेप. बोले हाँ वो अलग अलग शेप में होते हैं, अलग अलग साइज में भी होते हैं. वो अलग अलग शेप में होते हैं और अलग अलग साइज में होते हैं. जैसे हम लोग ये दांत देख रहे हैं ना, एक है इनसीजर मतलब आगे वाला हिस्सा, फिर है कैनियन है, फिर प्री मोर है, और लास्ट में है मोरल है. बच्चों देयर आर द डिफरेंट शेप एंड साइज, देयर आर द डिफरेंट शेप एंड साइज इन आवर टीथ. दीज आर द डॉक्टर बोलते हैं देयर आर द डिफरेंट शेप साइज एंड फंक्शन. देयर आर द फोर इनसीजर्स, जिसको बोलते मतलब दम नोखीला, जो मतलब आगे का हिस्सा का जो दांत होता है ना, ये वाला जैसे इस वाले हम लोग स्लाइड में देख रहे हैं, ये वाले आगे वाले हिस्से, ये वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इनसीजर्स, जो काटने का काम करता है. कोई भी चीज़ हम लोग इसी से काटते हैं, ये वाला हिस्सा है ना, दो दांत दिख रहे हैं ना वो. ये टोटल कितने होते हैं बच्चों, तो ये टोटल 4 होते हैं. कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं. दूसरे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दोनों जो चौखीले दांत हैं उसके बाजू में जो है वो वाला कौन से दांत, उसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला जो हिस्सा वाला दांत है ना वो, ये इसको बोलते हैं कैनिन्स. क्या बोलते हैं, कैनिन्स. कैनिन्स यानी कुत्ते वाले दांत, जो एकदम काटने का, जैसे इसको राक्षसी दांत भी बोलते हैं क्योंकि हमेशा काटने के लिए तैयार हो जाते हैं. ये कितने होते हैं बच्चों, तो ये टोटल 2 होते हैं. इसके बाद ये टोटल कितने होते हैं, 2 होते हैं. और द फोर प्री मोरल्स, अब देखो प्री मोरल्स कौन सा है बच्चों, ये है प्री मोरल्स. मतलब ये जैसे दो आगे वाले कौन से, इन सीजर्स हो गए, दो कौन से हो गए, कैनिन हो गए, और उसके बाद वाले जो 4 हैं, 1, 2, 3, 4, वो प्री मोरल्स. वो कितने होते हैं बच्चों, तो देयर आर द फोर. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ,
तो देयर आर फोर और एंड द सिक्स फोर और सिक्स मोरर्स मीन्स को जिसको बोलते हैं जबड़ा, ये होते हैं ये जिसको बहुत लेट जिसको अक्कल की दाढ़ भी बोलते हैं, ये होते हैं मोरल्स. क्लियर? हाउ मैनी? तो देयर आर फोर इनसीजर्स, देयर आर टू कैनियन, देयर आर फोर प्री मोरर्स एंड फोर टू सिक्स, वन टू थ्री फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये छः हो गए ना, तीन और तीन छः, किसी किसी के दो भी होते हैं, ये क्या होता है मोरल्स जिसको बोलते हैं दाढ़. अब जब उन्होंने इतना बताया तो सोनिया कैन आस्क्ड, सोनिया कैन आस्क, ये दांतों के अलग अलग रूप हैं. सोनिया कैन आस्क, सोनिया फिर से पूछती है, कैन आई आस्क यू अ फील क्वेश्चन अबाउट माई फ्रेंड डेंटल प्रॉब्लम, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मेरा एक दो दोस्त है उसको भी दांतों में प्रॉब्लम है, क्या आप उसके बारे में बताएंगे? डॉक्टर बोलते ओह योर श्योर, बोलो. सोनिया पूजा वन ऑफ माई क्लासमेट स्लिप्ड ऑफ अ स्टेयर चेयर, स्टेयर केस, मतलब सोनिया बोलती है कि वन ऑफ माई क्लासमेट, मतलब दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री हो बच्चों, कि सोनिया जो है वो बोलती है कि एक पूजा उसकी फ्रेंड है सुपरलेटिव डिग्री में, वन ऑफ द मतलब जितने भी उसके क्लासमेट है उसके क्लासमेट में से सिर्फ एक, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री. वो बोलती है जो सोनिया बोलती है कि वन माय क्लासमेट स्लिप ऑफ द स्टेयर केस, वो एक बार स्केयर से वो जो स्लिप स्कूल में फिसलन होता है उसमें से गिर जाती है. सी हैज़ सम फ्रैक्चर टीथ और व्हाट शुड सी डू, उसके दांतों में कुछ क्या है, उसके दांतों में थोड़ा थोड़ा फ्रैक्चर भी हुआ है, उसको क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर शर्मा बोलते हैं वेल कोई बात नहीं है, सी नीड टू कंसल्ट अ डेंटिस्ट. बच्चों डेंटिस्ट किसे बोलते हैं? हाँ दांतों के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट बोलते हैं. कि भाई उसे कुछ नहीं, उसको फटाफट कुछ दांत के डॉक्टर को दिखाना चाहिए. आफ्टर एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब होता है चेक करना, हर टीथ उसके दांत को चेक करने के बाद द डेंटिस्ट विल सजेस्ट द रिस्टोरेशन ऑफ द टीथ विल लाइट क्योर कंपोजिट फिलिंग मटेरियल. जैसे हमारे दांत सड़ जाते हैं तो क्या करते हैं डॉक्टर, जैसे मेरा दांत है मानो कि कोई दांत खराब हो गया तो वो दांत निकल जाएगा, तो डॉक्टर उस जगह पे जिसको अपने रीजनल लैंग्वेज में बोला तो चांदी भरना बोलते हैं, कि भाई दांत में चांदी भर दिया और दांत में उसको मसाला भी भरना बोलते हैं. तो डॉक्टर क्या बोला कि भाई पहले इसको पूजा को किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास लेके जाओ, डेंटिस्ट जब उसके दांत को चेक करेगा, चेक करने के बाद उसको लगेगा कि भाई अब इसके दांत में ये चीज़ करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, जो चीज़ उसने सोनिया के दांतों में, मैंने बताया था ना लाइट अलग अलग छोटे छोटे जो सिंथेटिक है सिनेका है मटेरियल को पदार्थ को मिलाता है और वो कैसे होते हैं तो सफ़ेद पत्थर जैसा होता है, उसके बाद वो दांतों में भर के उसके ऊपर से सिलिका मतलब दांत के जैसा दिखने वाला पत्थर उसको वो क्या कर देता है, कवर कर देता है. तो उस तरीके से वो भी ऐसा बोलते हैं कि व्हाट शुड सी डू, उसको क्या करना चाहिए. तो डॉक्टर वेल सी नीड द कंसल्ट डॉक्टर, मैंने बताया ही, और द रिस्टोरेशन ऑफ द टीथ विद द लाइट क्योर कंपोजिट फील द मटेरियल, उसको मटेरियल से भर देना चाहिए और वो मटेरियल से जैसे ही भरेगा सोनिया ओके. आई हैव अनदर फ्रेंड नेम धारा, बोले मेरी एक और दोस्त है जिसका नाम है धारा, सी हैज़ अन इवन ग्रोथ ऑफ टीथ, बोले उसके है ना दांत तो पता ही नहीं चलता, अन इवन मतलब कोई भी लाइन से है नहीं, उसका दांत कभी कोई इधर है कोई इधर है, ग्रोथ ऑफ टीथ उसका दांत ठीक से उगा ही नहीं है, द टीथ हर टीथ आर नॉट प्रॉपरली ग्रो, उसके दांत प्रॉपरली ग्रो हुए नहीं है, इसके जैसा दिख रहा है ना एकदम गंदा, हाँ उसके जैसा उसका दांत, भाई उसका दांत प्रॉपर तो ग्रोथ हुए नहीं है, तो क्या करना चाहिए, हर टीथ आर नॉट प्रॉपरली ग्रो, सी फील वेरी एम्बेस्ड, मतलब शर्म आना या शर्मिंदा होना कि भाई मैं कहाँ पे, कितने लोग के दांत ऐसे होते हैं कि हंसते हैं तो दांत बाहर आ जाते हैं, उनके नाक से बाहर उनका दांत आ जाता है, ऐसा भी होता है. एनी एडवाइस फॉर हर, क्या उसके लिए कोई एडवाइस है? तो डॉक्टर शर्मा बोलते हैं नो वन शुड फील एम्ब्रेस, नहीं उसके लिए हमें शर्म करना ही नहीं है,
अबाउट द फिजिकल डीफॉर्मिलिटी, फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक और डीफॉर्मिलिटी का मतलब होता है अपंग, अपंग भी बोल सकते हैं, या कहीं कोई चीज़ जैसे किसी का दांत मुंह टेढ़ा है, किसी का नाक ऐसा है, किसी का आंख ऐसा है, उसको हैंडीकैप भी बोलते हैं। बोले इसके लिए हमें शर्मिंदा नहीं होना है। हर प्रॉब्लम इज कॉल्ड, उसका जो प्रॉब्लम है उसके प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो उसके जो प्रॉब्लम है बोलते हैं ये प्रॉब्लम एकदम नॉर्मली है, क्रॉडिंग, इसके प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। एंड नो देयर इज द सॉल्यूशन फॉर हर प्रॉब्लम ऑल्सो, और इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन क्या है? द पेशेंट हैज टू गो फॉर एन ऑर्थोडोंटिक, ऑर्थोडोंटिक का मतलब होता है दांत के डॉक्टरों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोडोंटिक बोलते हैं, ट्रीटमेंट देना चाहिए। और हर ब्रेस विथ ब्रिंग हर टीथ इन द प्रॉपर अरेंजमेंट, और वो क्या करते हैं, आपने देखा है बच्चों की किसी के दांत बहुत आगे होते हैं तो दांतों को तार से बांध दिया जाता है, वो वाला ट्रीटमेंट। शुड आई आस्क हर फॉर टू सी यू, क्या मैं उसे पूछूं, शुड आई, यहाँ पे परमिशन यानी चाहिए, शुड यानी चाहिए, कि शुड आई आस्क हर टू सी यू, देखना है डॉक्टर शर्मा, नो सी विल हैव टू कंसल्ट एनी ऑर्थोडॉन्टिस्ट, बोले नहीं मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, किसी और के पास हो जाएगी, वो देख लेंगे। सोनिया बोलती है थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन, सोनिया बहुत खुश हो जाती है, बोलती है डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने इतना अच्छा सजेशन मुझे दिया, इन ही डेंटल साइंस हैज़ एडवांस अलोट, बोले हाँ डेंटल साइंस यानी बहुत ही काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पर और काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। आई विल आस्क हर टू कंसल्ट एन ऑर्थोडोंटिस्ट, बोले मैं अपने फ्रेंड को पूछूंगी और उसको भेजूंगी एक दांत के डॉक्टर के पास। नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अप अ प्रोजेक्ट ऑन द डेंटल हेल्थ, बोले अब आपने जैसा बताया कि दांत के प्रकार है, दांत को कैसे साफ करना चाहिए, वो मैं पूरा वैसे करूंगी, बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट इन साइंस, बोले मैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाऊंगी क्योंकि हम लोग साइंस का प्रोजेक्ट बनाते हैं। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी यूजफुल टॉपिक, और ये बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। डॉक्टर शर्मा बोलते हैं यू कैन कम फॉर गाइडेंस फॉर एनी प्रोजेक्ट इफ़ यू नीड, बोले डॉक्टर शर्मा कि कभी भी तुम्हें मेरे लिए कोई भी काम हो तुम आओ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, इट्स सो नाइस फॉर यू, डॉक्टर शर्मा बोलते हैं यू आर वेलकम। ये दोस्तों डेंटल हेल्थ जो हमने देखा, और यहाँ पर हमारा जो लेसन समाप्त हो रहा है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते।